बरान साहब और दिलान साहिबा कल रात घर नहीं आए। क्या किया उन्होंने, पूरी रात कहाँ गुजारी? दोनों के दरमियान तो झगड़ा था, मगर किसे पता ये? इससे तुम्हें क्या है बेटी, वो शादीशुदा हैं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं इससे क्या लेना देना तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, इन सब बातों की फिक्र मत करो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, जब उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो मैं सोचने लगी, आप और दिलान एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, हो सकता है कि आपको कॉल करके बता दिया हो। मैं नहीं जानती बेटी, नहीं जानती। एक तरफ वो दरिया साहिबा और दूसरी तरफ तुम, मुझे किसी ने कॉल नहीं की, समझ आई? बारान साहब और उनकी बेगम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, मुझे हर चीज की रिपोर्ट थोड़ी देंगे वो लोग। अपने अल्फाज पे तो गौर करो कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, जो मुंह में आता है बोल देती हो। देखो बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मासूम हो, लोगों को नहीं पहचानती। दरिया साहिबा से बच के रहो, ना उनसे बात करो और ना भरोसा करो। तुम सिर्फ अपना काम करो, जब वो तुमसे कुछ पूछे तो कहना मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? जब तूफान आता है तो फिर हर इंसान पकड़ने के लिए शाख ढूंढता है, लेकिन जैसे ही तूफान थम जाएगा सब नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन बुराई तुम्हारे सर आ जाएगी। अपना मतलब निकल जाने के बाद उस शाख को फेंक दिया जाता है, समझ रही हो ना? ये चीजें हमारे दायरे इख्तियार से बाहर हैं। चलो ये सब टेबल पर ले चलते हैं। सुनो, तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास पाइनएप्पल जूस है? नहीं, वो नहीं है। तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है? लस्सी है, मिनरल वाटर है, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात मिल जाएंगे आपको। तुम क्या मशवरा देते हो, मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। मैंने सोचा था तुम शरबत लेकर आओगे। हमारी लस्सी बहुत लजीज है, हम खुद बनाते हैं इसे। हाँ।